हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है अभी व्लॉग में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस खूबसूरत गाड़ी के बारे में। जैसे जैसा इसका नाम है वैसे ये गाड़ी है भी। तो सबसे पहले इसका क्लस्टर आप देख लें, और सबसे पहले जो इस गाड़ी को मैंने चलाते के साथ नोटिस की वो चीज़ आपको साथ में बताना चाहूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसका बोनेट का जो एज है ये आपको आपके केबिन से बैठे बैठे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो इससे क्या होगा, इससे सबसे पहली बात तो आपको ये होगा कि आप कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी गाड़ी को पार्क कर पाएंगे, सिटी में ड्राइव कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आगे कितनी दूर पे कौन सी गाड़ी है, क्या है। ये चीज़ आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी दोस्तों। तो एक्सटर्नल क्लस्टर में दोस्तों यूज़फुल आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे दोस्तों, जिसमें फ्यूल गेज का ऑफर है और ये RPM वगैरह सारी चीज़ें वेल मेंटेन है। इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। टच स्क्रीन भी इसका काफ़ी अच्छा लगता है, और ये AC विंड पे जो ये गोल्डन कलर का टेक्सचर दिया है काफ़ी यूनिक और एकदम बहुत गजब का लगता है। और AC की बात करें तो दोस्तों AC इसका काफ़ी चिल्ड है, आपको मैं ये बता देता हूँ। टाटा का AC जो अभी आपको नई इनकी गाड़ियों में देखने को मिलेगा ना, उसकी तो बात ही अलग है दोस्तों। क्योंकि AC इसका काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि AC की कूलिंग भी बहुत अच्छी थी। और सबसे पहले हमको ये एक तो बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी फीचर्स और परफॉर्मेंस में आपको ध्यान देना जरूरी होता है दोस्तों। जो पैसा आप लगा रहे हैं वो सही प्रोडक्ट पे लग रहा है या नहीं, ये आपको ही डिसीजन लेना है। कोई एक्सपर्ट आपके लिए नहीं आएगा वहाँ पे। तो ये सारा एक छोटा पैकेज बड़ा ड्रामा का इस टाटा के पंच में आपको देखने का मिलेगा। तो सामने से मस्कुलर लुक है दोस्तों, काफ़ी हाइट पर आप बैठे हुए फील करेंगे जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं। तो कुछ स्टेप से दिखती है टाटा के 15-20 लाख-25 लाख की गाड़ी, जो टाटा की हेरियर आती है सेम उस टाइप की डिज़ाइन आपको इसमें मिलती है देखने को, जो मार्केट में अब छाने लगी है दोस्तों। जी हाँ, तो कुछ इस टाइप से साइड से दिखती है दोस्तों ये गाड़ी। और पीछे से आपको इसका लुक बताता हूँ मैं, काफ़ी बल्की और मस्कुलर फील होती है गाड़ी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और दूसरा आपको मैं बताता हूँ, इसका जो सेकेंड डोर होता है ना दोस्तों, ये यहाँ से खुलता है, जो मारुति की स्विफ्ट में भी देखने को मिलता है। तो स्पेस की बात करूँ दोस्तों, तो स्पेस की कोई कमी नहीं है इसमें, स्पेस की तो कोई कमी है नहीं इसमें। और टेक्सचर आप जैसे देख पा रहे हैं, ये वाइट टेक्सचर इसमें काफ़ी यूनिक लगता है। और 90 डिग्री पर इसके गेट खुल जाते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर इसमें ट्यूटर दिया हुआ है, देखिए ये ट्यूटर भी यहाँ पर लगा हुआ है। और इसका ये देखें आप, इसका केबिन देखें दोस्तों, क्या खूबसूरत लगता है दोस्तों। देखें आप, एकदम यूनिक डिज़ाइन के साथ में आता है, जिसे आपने बता रहा था मैं आपको टाटा अपनी गाड़ियों में अब यूनिक डिज़ाइन दे रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत लगता है इसका ये केबिन भी। और आपको पता है टाटा अपनी बिल्ड क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता दोस्तों। तो जी हाँ, तो इसका जो आप केबिन देख रहे हैं, इसका प्लास्टिक भी काफ़ी हैवी फील होता है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चीप टाइप का नहीं लगेगा। ये चीज़ें हमको देखना चाहिए, जिस बजट ट्रेंड पर गाड़ी हमको जो टाटा अवेलेबल करा रहा है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको इस चीज़ में देखने को नहीं मिलेगा। तो रिवर्स कैमरा में आपको बता देता हूँ, देखिए रिवर्स कैमरा की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि पीछे देखें आप, उसमें लाइट आ रहा है। सनलाइट आने के बाद भी विजिबिलिटी देखें, उसकी विजिबिलिटी आपकी कम नहीं हुई है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि रिवर्स कैमरे के साथ जब टाटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है तो गाड़ी से क्या करेगा। गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी पावरफुल भी आपको चलाने में महसूस होगी। जैसे कि आपकी ऑब्स्टिकल देखें आप, ये एकदम स्टीप चढ़ाई थी दोस्तों यहाँ क्या और था, सामने जो है स्टेट हाईवे था। तो यहाँ पे क्या होता है, गाड़ी जब मैंने से खड़ी की तो मेरे को अब क्या होता है कि गाड़ी जैसे अपन लगाते हैं तो पीछे, अब जब आगे बढ़ाना होगा तो पीछे जाएगी गाड़ी। तो ये चीज़ आपको देखनी थी। और AC भी चल रहा था दोस्तों, पर गाड़ी ने यहाँ पे मैंने देखा पावरलेस नहीं हुई दोस्तों गाड़ी को। फिर जैसे ही मैंने आगे बढ़ाया, गाड़ी इजी वे में आगे चली गई, कोई भी ऐसा लैग महसूस नहीं हुआ जिससे लगे कि यार गाड़ी में पावर नहीं है। तो ये बात मैंने नोटिस करी इस गाड़ी में। तो इसको हम सीधे से कह सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जी हाँ, जिस प्राइस रेंज में टाटा ने इसको लॉन्च किया है, उस प्राइस रेंज में आपको ये सारी चीज़ें कोई और गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, ये मैं आपको बता सकता हूँ। बिल्ड क्वालिटी और पावर और सारा जो इस टाटा ने इस गाड़ी को बना के मार्केट में उतारा है दोस्तों, और जो नाम दिया है टाटा का पंच, वो इस गाड़ी पर बिल्कुल सही ही बैठता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मैं टेस्ट ड्राइव लेने आया था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने ये छोटा सा मेरे तरफ से वीडियो शेयर किया है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था ये। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 98% लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक सब्सक्राइब करके नहीं जाते दोस्तों, और वीडियो बनाएंगे तो आप इस वीडियो पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 5000 लाइक तो कर ही सकते हैं दोस्तों, इतनी तो हेल्प कर सकते हैं आप। और देखें जैसे इसका रिवर्स कैमरा आप देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा था, तो देखो कितना यूज़फुल है। आप इस रिवर्स कैमरे पर ट्रस्ट करके गाड़ी को रिवर्स ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सेंसर सही काम नहीं करते तो दिक्कत हो जाती है। और ये देखें इसमें, इस गाड़ी में आपको बता देता हूँ मैं, ये 15 इंच के
व्हील आप स्टील रिम में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें अलॉय व्हील का ऑप्शन टॉप वेरिएंट में ही आएगा आपको, जिसमें 16 इंच के टायर आपको देखने को मिलेंगे और ये अपोलो के टायर और साइड से डिजाइनिंग इसकी आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको मिलाते हैं मिस्टर सुमित जी से, जिन्होंने हमारे लिए टेस्ट ड्राइव ऑर्गेनाइज करी थी। दोस्तों अगर आप खरगोनी आसपास रहते हैं तो आप मिस्टर सुमित जी से मिल सकते हैं, ये आपको इजी वे में टेस्ट ड्राइव अवेलेबल करवा देते हैं गाड़ी की। तो खरगोन में एकमात्र टाटा का शोरूम है, वहाँ पे आपको मिलेंगे दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो आपको दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो हमसे जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों।